वेलकम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खुश होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में सब। मैं बना रही हूँ आज स्पेशल किस्म का बेकरी वाला चॉकलेट केक। इजी, फुल इजी रेसिपी मैं दे रही हूँ आपको, बहुत आसान तरीके से। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मेरे पास दो रूम टेम्परेचर अंडे, ये है मेरे पास मैदा 1 कप, और मैं कप के साथ इसलिए लेके आई हूँ कि नॉर्मल आम लोग जिनके पास वो कप नहीं होते ये उनके साथ बना सके। 1 कप मेरे पास ऑयल, 1 कप चीनी, वो उतार लें, तस्वीर उतार लें ताकि सबको इजी हो जाए। ये मेरे पास 1 कप दूध, 2 टेबलस्पून भर के मेरे पास 2 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर, ठीक है, पिंच ऑफ सॉल्ट, और ये मेरे पास है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये वनीला एसेंस आप देख लें चॉकलेट वाला। अगर ये नहीं है कोई बात नहीं, आप सिंपल वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ आम से। ये देखें, हर एक के घर में होता है ग्राइंडर मशीन, इसका जग। इजी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 अंडे, इसमें जाएगा ये 1 कप चीनी। कप आप फिर देख लें, ये देखें कप। कप से इसलिए बता रही हूँ कि हर किसी के लिए बनाना आसान हो। ये है ऑयल 1 कप भर के, बटर भी डाल सकते हैं आप, मुझे ऑयल हर एक घर में होता है, अच्छा लगता है, इसलिए मैं इजी रेसिपी इसको मैं ग्राइंडर करती हूँ। इसके बाद ये मैंने बीट किया है ऑयल और चीनी और अंडों को, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध, ये देखें, और ये रूम टेम्परेचर दूध, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको मैं फिर से दोबारा से ग्राइंडर करती हूँ, मैं फिर आपको बता। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दूध के बाद 2 ड्रॉप चॉकलेट एसेंस, ठीक है, जिसको ज़्यादा चॉकलेट पसंद है वो 4 ड्रॉप भी डाल सकता है, और ये देखें पिंच ऑफ सॉल्ट, इसको मैं भी ग्राइंडर करती हूँ, मैं फिर आपको बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने कर लिया है, ये देख लें, ऐसी इसका एक ये सॉस बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने ड्राई जो मेरे पास चीज़ें थी उनको मैं एक दफ़ा स्ट्रेन कर लेती हूँ। 1 कप मैदा, 2 चम्मच भर के बेकिंग कोको पाउडर, और ये मेरे पास बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून भर के, ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं स्ट्रेन कर लूँगी। ये ड्राई चीज़ों को एक दफ़ा आप बीटर के साथ ऐसे ऐसे कर लें, बहुत अच्छे से पहले से मिक्स हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये बैटर इसके अंदर ऐसा ऐसा से करके डालें और ऐसा ऐसा से हलाएं। अब मैं आपको बता रही हूँ बीट करने का तरीका। ये आपके पास, ये देखें घरों पे, सब घरों पे होता है बीटर। इसको आपने एक डायरेक्शन में, आपने ऐसे ऐसे नहीं करना, एक डायरेक्शन में आपने इसको तकरीबन 2 मिनट आपने सिर्फ इसको इस तरह बीट करना है, पहले उस तरह फिर इस तरह, बस ये देखें बैटर बिल्कुल रेडी है। आप नहीं इस तरह इस तरह इस तरह बिल्कुल नहीं करना। ये मेरा बीटर हो चुका है, मैं इसकी, ये देखें मैंने पहले, ये मॉल्ट है मेरे पास, मार्केट से आराम से मिल जाता है फ्रूट केक का मॉल्ट, थोड़ा बड़े साइज का ले। इसके अंदर मैंने ग्रीस किया हुआ है, ऑयल लगा के पेपर लगाया है, मैं इसमें अपना बैटर डाल दूंगी। इसमें डाल दिया है, जब इसको आपने टैप करना है 3 दफ़ा, 1 2 3, सब एयर वगैरह इसमें से निकल जाती है। ये मेरे पास देखें, मैंने इसको कोई किसी ओवन में नहीं बनाना, किसी प्रेशर कुकर में नहीं बनाना, मेरे पास पतीली मैंने पहले से फ्री हीट की हुई है, और इसमें एक सांचा रखा हुआ है, ये देखें हर घर में मौजूद होता है, ना भी हो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ही रख सकते हैं। ये मेरे पास सांचा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर ऐसे रख कर ऊपर कैप, और आप फ्लेम देखें, फ्लेम मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल कैंडल वाली फ्लेम, ठीक है, दम दम वाली आग,
ये इसको मैं सिर्फ 35 मिनट बेक करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसा ये बना है और कैसा तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, मैंने कहा मैं सेंटर में आपको दिखाऊंगी, मेरा केक हो रहा है रेडी। थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें सिर्फ अभी ऑन 6 मिनट हैं, 6 मिनट के बाद मैं आपको लाजमी ये दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, मैं आपको केक चेक करने का तरीका बताती हूँ। नाइफ बिल्कुल क्लीन नाइफ, ये देखें बिल्कुल साफ। आग मैंने कर दिए बंद, निकालती हूँ, गरम एहतियात से निकालें, ठीक है। कोशिश कर रही थी कोई मैट के ऊपर मैं किसी जाली के ऊपर निकाल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोल्ड में से निकाल लिया और मैंने वेट नहीं किया कि मैं ठंडा करूँ, थोड़ा ठंडा करके थोड़ा सा निकालते हैं। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये मेरे पास केक नाइफ है, ये वाली, कोशिश करें ये वाली नाइफ हो आपके पास, और थोड़े से थिन स्लाइसेस काटा करें। मैं तो थिन ही काटती हूँ ज़्यादा। अब ये देखें सॉफ्ट, ये देखें, देख रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार, अच्छा। चाय के साथ तो बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम, वैसे भी बना के रखा करें घर पे, कोई गेस्ट अचानक आ जाता है। सॉफ्ट बहुत है वो, इसलिए मुझसे कटा नहीं जा रहा, तो मैंने ठंडे का वेट भी नहीं किया। देखें आपने ऐसे उठाना है, ये देखें ऐसे उठाना है अपनी प्लेट के अंदर, जिस बॉक्स पे आपने रखना उस बॉक्स के अंदर, ये देखें, ठीक है। ये देखें नज़र आ रहा है, ये देखें बहुत गर्म है अभी, मैंने वेट नहीं किया, मैंने कहा आपको मैं गर्म गर्म दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केक रेडी है, आपने भी ट्राई करना है इंशाल्लाह, बहुत अच्छा बनेगा आपका। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है, अचानक कोई गेस्ट आ जाए जल्दी से तैयार होने वाला है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट्स में लाजमी बताया करें, आप ट्राई किया करें, आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। अल्लाह हाफिज़।